खास करके भाजपाइयों से भी ये कहना चाहते हैं कि मुंह पे काली पोत करके आरएसएस और बजरंग दल के कार्यालयों को फूंक दो, अगर तुम्हारे डीएनए और तुम्हारे कोख में ऐसी ताकत नहीं है। मैं शुरू से कहता आया हूं कि जो सबसे पहले मारा जाता है सबसे बड़ा पीड़ित वही हो। डर नहीं लगता आपको इस तरह के अनाप शनाप बयान देना, मुख्यमंत्री को मूर्ख मंत्री कहना? मूर्ख को मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जेल चले जाएंगे मिश्रा जी। जेल नहीं, तुम हमको मार दो। जेल चले जाएंगे तो क्या हो गया? जेल चले जाएंगे। घर में बड़ा 24 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे तो कहाँ हम चुनाव? आजम खान चले गए, आज आप भी चले जाएंगे। अरे यार, चले गए आज जाएंगे जेल, आजम खान, उनकी पत्नी, उनका बेटा। बदलेगा भारत छोड़ करके ना अपना आईडी, डरेगा भारत कर लो। पत्रकारिता के नाम पर शर्म आ रही है, जिस तरीके से आप धमकी दे रहे हैं सरकार। मैं क्यों धमकाऊंगा आपको? अरे ये धमकाना ही है, ये समझाना नहीं है। मैं क्यों धमकाऊंगा? अरे डरेगा भारत की तरह क्यों बताया? जैसे आप संविधान की बहुत दुहाई दे रहे हैं, तो संविधान के अनुरूप ही आप अपने शब्दों का चयन करेंगे कि किसी को कुछ? बीजेपी के जो सांसद रवि किशन और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार अखिलेश यादव से गुहार लगाते रहे, कहते रहे कि आप जातिवाद ना करिए, दोनों ही परिवारों का दर्द है, दोनों ही परिवारों में जाइए। लेकिन बीजेपी का कोई नेता प्रेम यादव के बच्चों से या उनकी पत्नी से नहीं मिला, तो जातिवाद कौन कर रहा है? जातिवाद का मुकुट पहने हुए सलम अली त्रिपाठी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि सुल्तानपुर में जब ठाकुरों ने एक ब्राह्मण डॉक्टर को कूच कूच के मार डाला अभी 2 महीना पहले, तो आपका जातिवाद कहाँ? जबकि ये कानूनी प्रक्रिया है कि जो सबसे पहले मारा जाएगा पीड़ित उसी को दर्ज किया जाएगा, तो सबसे पहले तो प्रेमचंद यादव मारेगा। भले एक के बदले 5 जान ले ले। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। देवरिया जनसंहार 2 अक्टूबर को घटी एक ऐसी घटना है जिसे उत्तर प्रदेश में काले दिन के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। इस जनसंहार में 6 लोगों की मौत हुई और उसके बाद तमाम सियासत हुई। अखिलेश यादव भी आए और तमाम उत्तर प्रदेश के मंत्री भी आए, दोनों ही परिवारों से लोगों ने अलग अलग मुलाकात किया। और इसी बीच जब अखिलेश यादव 16 तारीख को आए थे तो देवेश ने अखिलेश यादव से सुरक्षा कारणों से मिलने से इनकार कर दिया, और उसके बाद अखिलेश यादव जब वापस लौटते हैं तो शाम तक एक फैसला आता है कि अब प्रेम यादव के घर पर बुलडोज़र नहीं चलेगा, और उसके बाद भी अभी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी मामले में हम बातचीत करने आए हैं बनारस वाले मिश्रा जी के यहाँ। इनका तारुफ कराना या परिचय कराना मैं ज़रूरी नहीं समझता, वो इसलिए क्योंकि कोई ऐसा नहीं है देश में या विदेशों में जो मिश्रा जी को भली भांति नहीं जानता। हाजिर जवाबी जो इनकी है इतनी शानदार है कि किसी भी मौजू पे आपसे बात कर लिया जाए जवाब सटीक मिलता है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बदलेगा भारत के सभी टीम के सदस्यों को धन्यवाद। मिश्रा जी, एक भीषण जनसंहार होता है, 6 लोगों की मौत होती है, पहले प्रेम यादव की हत्या होती है, बदले की भावना में गाँव के लोग जाते हैं और 5 लोगों की हत्या कर देते हैं। पूरा जातिगत राजनीति ने इसको पूरी तरह से इस मुद्दे को जकड़ लिया था। हमने बात किया तमाम लोगों से, तो किसी ने कहा कि ब्राह्मण वर्ग इसके लिए ज़िम्मेदार है, किसी ने कहा यादव वर्ग ज़िम्मेदार है। बनारस वाले मिश्रा जी क्या सोचते हैं? देखिए, ज़िम्मेदार वहाँ के चकबंदी के अधिकारी हैं और वर्तमान मौजूदा योगी की सरकार है और उसकी पुलिस है। इस जनसंहार के मद्देनज़र अगर आप सवाल पूछेंगे तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और कानून व्यवस्था की होती है, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करना और उसके रक्षा करना। लेकिन जब सरकार के मंत्री ही और मुख्यमंत्री ही डिप्टी सीएम, मतलब हमारे तो मुख्यमंत्री, अब हम उनको मूर्ख मंत्री भी कह सकते हैं, और अब डिप्टी सीएम को हम लोग जो है डिप्टी मूर्ख मंत्री कह सकते हैं, जब सरकार के मंत्री ही जातिवाद, पहले तो धर्मवाद का भूख था उनको, अब जब धर्मवाद की आग एकदम ठंडी हो गई, कहीं नहीं चल रहा है, पूरे देश के लोगों ने इनके एजेंडे को समझ लिया, अब धर्मवाद का एजेंडा नहीं चल रहा है कि अब धर्मवाद के एजेंडे पे बहुत ज़्यादा इनको सफलता जब नहीं मिलेगी तो अब ये जातिवाद के एजेंडे को खेलना शुरू किए। जातिवाद के एजेंडे को खेलने के तहत जो है चकबंदी के अधिकारियों के कमियों के वजह से 2 वर्ग के जमीन विवाद में नरसंहार हो गया। मैं शुरू से कहता आया हूं कि जो सबसे पहले मारा जाता है सबसे बड़ा पीड़ित वही होता है, ये पुलिस भी यही करती है। डीएम साहब ने यही बयान दिया था। हाँ, डीएम साहब ने भी यही बयान दिया था। पता नहीं क्यों हमारे इस बयान से भारतीय जनता पार्टी के कुछ चमन चूतिए टाइप के लोग
बड़ा वो तिलमिला गए, जबकि ये कानूनी प्रक्रिया है कि जो सबसे पहले मारा जाएगा पीड़ित उसी को दर्ज किया जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रेमचंद यादव मारेगा, पहले एक के बदले पांच जान ले लेते हैं। फिर एक के बदले पांच जान लेने के तर्क के पीछे आप कह सकते हैं ये मुंह उठा करके, भाई आपका मुंह है, लेकिन उसके पीछे भी अगर आप झांक करके देखेंगे तो उस एक के पीछे खाली एक बुजुर्ग बाप था, एक माँ थी, तीन बेटियाँ थी, एक पत्नी थी, वो तो गए भी नहीं, भाई सब उसके बाहर थे। जो लोग गए वो लोगों में भी जातियों का आप देख लीजिए, जा जानते हैं इस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करना कब छोड़ा, जब पुलिस एफआईआर में 12 ब्राह्मण वो दुबे जी के हत्या के मामले में 12 ब्राह्मण नामजद हुए, 4 पाल नामजद हुए, 4 ठो राजभर नामजद हुए, 1-2 ठो मौर्या जी नामजद हुए, यादव एक भी नहीं। भाजपा समझ गई कि अब हमारा खेल यहाँ बिगड़ आएगा, सब भाग पड़े। उसके बाद से आप न डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का कोई ट्वीट देखे होंगे देवरिया मुद्दे पर, न योगी बाबा का कोई बयान देखे होंगे, न सलमणि त्रिपाठी का। ये सब तो सोचे कि बस करो, अब लोकसभा चुनाव से पहले नरसंहार करा करके अब हमको मिल गया है मुद्दा, अब हम खेल जाएंगे। और ये बड़ी प्लानिंग थी इस नरसंहार को हवा देने का, जबकि मुख्य आरोपी चकबंदी के अधिकारी थे, आज भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई। और यह कार्रवाई न होना योगी बाबा का यह बताता, बहुत सारे लोग जो सस्पेंड हुए, नहीं सस्पेंड होंगे फिर जा करके वो खड़े हो जाएंगे। सस्पेंड होने का क्या मतलब है, पुजाएंगे फिर उसके बाद 6 महीना बाद फिर पोस्टेड होंगे। ये तो अधिकारियों का अंदर का एक कल्चर होता है, जब आप जाइए कभी क्रूर और किसी घमंडी अधिकारी से बतियाइए किसी भी काम को लेकर के, तो जब आप बतियाएंगे तो वो कहेगा क्या कि जो है कि जो करना है कर लो, हम देख लेंगे। तो वो यही देखता है कि सस्पेंशन अगर आप करा देंगे तो हम घर चले जाएंगे और उसके बाद जो फिर आएंगे। तो अधिकारी जो है इसी बात से उताना शाही कसता है। योगी बाबा अपने अधिकारियों को, और सबसे बड़ी जाँच की बात यह है कि वो अधिकारी किस जाति के थे जिनकी जातियों को छुपाने के लिए इतना बड़ा नरसंहार का, इतना बड़ा जातिवाद का खेल खेल दिया गया। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूं, बीजेपी के जो सांसद रवि किशन और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार अखिलेश यादव से गुहार लगाते रहे, कहते रहे कि आप जातिवाद ना करिए, दोनों ही परिवारों का दर्द है, दोनों ही परिवारों में जाइए, लेकिन बीजेपी का कोई नेता प्रेम यादव के बच्चों से या उनकी पत्नी से नहीं मिला, तो जातिवाद कौन कर रहा था? भाई मेरे, हम तो आपसे वही कहना चाहते हैं, जातिवाद के आग में झुलसे हुए ब्रिजेश पाठक जी, जातिवाद का मुकुट पहने हुए सलमणि त्रिपाठी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि सुल्तानपुर में जब ठाकुरों ने एक ब्राह्मण डॉक्टर को कूच कूच के मार डाला अभी 2 महीना पहले, तो आपका जातिवाद कहाँ था? ठाकुरों के खिलाफ आप बोलने से कतराते क्यों हैं? कैसे आप ब्राह्मण नेता है, आपकी ठेकेदारी हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी सभी जातियों के हत्या के खिलाफ बोलता है मुखर होकर, तो आपको भी बोलना चाहिए था अगर आप ब्राह्मणवादी थे तो। कानपुर में वो तिवारी का घर बुलडोजर से जला के चला दिया गया, पहले घर जल गया उसके बाद चलाया गया उसके ऊपर, उस समय ये लोग कहाँ मरे हुए थे? गुरु, ये पूरा का पूरा मैटर जो है योगी बाबा के इशारे पर खेल खेला गया था लोकसभा 14-24 के चुनाव को मद्देनजर, लेकिन सत्यता कभी छुपती है नहीं। खुद ब्रजेश पाठक और सलमणि त्रिपाठी ने इस मामले को हाइप दिया। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव की बात, अखिलेश यादव जी की एक भी बयान आप हमको जातिवादी मानसिकता से प्रेरित होना दिखा दीजिए। अगले आदमी का ट्वीट भी यही था कि योगी बाबा जी देवरिया में शांति और कानून व्यवस्था की बहाली हो, किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना हो, दोनों पक्षों के साथ न्याय किया जाए, तो घर नपेगा तो घर टूटेगा, तो तहसीलदार गायब है, तो पुलिस फोर्स लगा दिया गया, इससे क्या साबित हो रहा था? इससे ये साबित हो रहा था कि योगी बाबा और ब्रजेश पाठक जैसे मूर्ख मंत्री अपने शासन और सत्ता को बचाने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा देंगे, किसी का भी नरसंहार करा देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, अखिलेश जिस दिन आए थे उस दिन शाम तक एक फैसला आ गया कि प्रेम यादव का घर बुलडोज नहीं होगा, तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया गया।
तो कोर्ट ने क्या माना, कहीं ना कहीं अधिकारी गलत कर रहे हैं तभी तो निरस्त किया वो फैसला, यानी अधिकारी किसी दबाव में काम कर रहे थे? निश्चित रूप से दबाव में क्या, पूरा का पूरा जो है प्रदेश इसमें ठाकुरवाद के आग में जल रहा है। ये तानाशाही, ये गुंडई ठाकुरई का देन है ना मित्र। आप जो है सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दे रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ उनकी कमी गिना दे रहे हैं, बोल रहे हैं आप सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मुखिया को, और एक विशेष जाति के लोगों को आग लग जा रहा है। पता नहीं कौन सा रिश्ता है ये, क्या रिश्ता कहलाता है। किसी भी मुख्यमंत्री को जब वो संविधान का शपथ लेता है तो वो अपने जाति का शपथ नहीं लेता है। इन लोगों ने और इनके बिरादरी के लोगों ने इस बात को इंडिकेट कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नहीं, ठाकुरों के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मूर्ख मंत्री हैं। डर नहीं लगता आपको इस तरह के अनाप शनाप बयान देना, मुख्यमंत्री को मूर्ख मंत्री कहना? मूर्ख को मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जेल चले जाएंगे मिश्रा जी। जेल नहीं, तुम हमको मार दो, जेल चले जाएंगे तो क्या हो गया, जेल चले जाएंगे। घर में बड़ा 24 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे तो कहाँ हम चुनाव। आजम खान चले गए, आज आप भी चले जाएंगे। अरे यार चले गए, आज जाएंगे जेल, आजम खान, उनकी पत्नी, उनका बेटा। बदलेगा भारत छोड़ करके ना अपना आईडी, डरेगा भारत कर लो। पत्रकारिता के नाम पर शर्म आ रही है, जिस तरीके से आप धमकी दे रहे हैं सरकार। मैं धमका, मैं आपको नहीं, नहीं मैं क्यों धमका, आपने तीन आपने मैं क्यों धमकाऊंगा आपको? अरे ये धमकाना ही है, मैं ये समझाना नहीं है, मैं क्यों धमकाऊंगा? अरे डरेगा भारत की तरह क्यों बताया? जैसे आप संविधान की बहुत दुहाई दे रहे हैं तो संविधान के अनुरूप ही आप अपने शब्दों का चयन करेंगे कि किसी को कुछ भी बोल देंगे? अरे किसी को कुछ भी बोल, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, आप कहते हैं ना कि वो गलत है। किसने कहा? ये बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, सारे लोग कहते तो हैं, उस वक्त क्या थे, सारे लोग कहते थे उस वक्त, वो क्या थे? आप अपोज करते हैं, आप इस घटना का विरोध उस वक्त क्या थे, मुझे उस पद का बात बताइए। मंत्री थे कहाँ थे, उत्तर प्रदेश के थे कि सेंट्रल के थे? सेंट्रल के मिनिस्टर ने, जिसने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को शपथ पढ़ करके देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, अगर कोई गलत कर रहा है मिश्रा जी, तो हम भी उसी रास्ते पे, फिर हमें उसमें फर्क क्या? कहा था कि क्रिया का प्रतिक्रिया मिलता है, कहा था, मिल रहा है, काहे तड़प रहे हो, काहे तड़प रहे हो, और तुम कह रहे हो जेल चले जाएंगे। घर में कौन सा सुकून छोड़ा है भाजपाइयों के सरकार? सुकून नहीं है, क्यों? न काम है, न धंधा है, न कुछ है। डंका किस बात का बज रहा है? डंका इस बात का बज रहा है क्योंकि अदानी और अंबानी और गुजराती लाबियों ने पूरे उत्तर प्रदेश को कब्जा करके खून की माफी चूसना शुरू कर दिया, और इसी उत्तर प्रदेश के तमाम जो इस मिट्टी के गद्दार लोग हैं वो भाजपा और जय जय जयकार कर रहे हैं अपनी रोटी के लिए, अपनी ज़मीर को बेच करके। न तो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का, न तो प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश का। मुख्यमंत्री जी कहाँ के हैं, उनकी मूल मिट्टी कहाँ की है, उनकी मातृभूमि कहाँ की है? दूसरे स्टेट से आयातित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे स्टेट से आयातित हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों की जुगलबंदी जो है इस उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला और दोगलापंती का व्यवहार कर रही है। मैं प्रदेश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अपने माटी के अपने बेटे को, किसी को भी तुम स्टैंड करो। खास करके भाजपाइयों से भी ये कहना चाहते हैं कि मुंह पे कालिक पोत करके आरएसएस और बजरंग दल के कार्यालयों को फूंक दो। अगर तुम्हारे डीएनए और तुम्हारे कोख में ऐसी ताकत नहीं है, तुम्हारे पूरे टीम में ऐसा कोई चेहरा जब नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश का होकर के उत्तर प्रदेश की सियासत को समझ सके, उत्तर प्रदेश के मिजाज को समझ सके, तो ख़त्म करो, उत्तर प्रदेश को छोड़ दो। हम आयातित नेताओं के सहारे चलने वाले लोग नहीं हैं और ना ही आयातित नेताओं के गुंडई से डरने वाले लोग हैं।